फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे असम गैस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, नोटिफिकेशन की सारी महत्वपूर्ण जानकारी, साथ में हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करें। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए लर्निंग टाइम चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां प्रोवाइड करता रहता हूं। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है इसके बारे में। यहाँ पे आपको देखिए जो आपका नोटिफिकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 20/2/2021 जो वैकेंसी है असम गैस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी है, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी ग्रेजुएटेड इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी है। यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं 26 से लेकर 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने में स्पेशल रिक्वायरमेंट जो वैकेंसी है मेन पावर की, यहाँ पे पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल की, तो ग्रेजुएट इंजीनियर टेक्निक आपकी ट्रेनिंग की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ पे केमिकल की, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है। यहाँ नंबर वैकेंसी देखने में, यहाँ पे सैलरी है 25,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 30,000 रुपये स्टिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास बीटेक होना चाहिए, 65% होना चाहिए अबव एग्रीगेट मार्क्स, 30 साल आपकी आयु रखी गई है, 1/2/2021 मिनिमम यहाँ पे 21 रखी गई है, ठीक है। सेम यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे सकते हैं इन सब के लिए आपको इसके रिलेवेंट में होना चाहिए, ठीक है। केमिकल देखा, इंस्ट्रूमेंट में देखा, मैकेनिकल में, यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग है फर्स्ट क्लास बीटेक इन एनी डिसिप्लिन 65 या आपको एग्रीगेट होना चाहिए या 2 ईयर फुल टाइम MBA इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम AICTE UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका ट्रेनिंग या इन मैनेजमेंट के MT के बारे में, रिटन टेस्ट शेड्यूल आपका लेटर होगा, क्वालिफाई कैंडिडेट रिटन टेस्ट 1/5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 पोस्ट 10 कैंडिडेट होंगे, विल बी कॉल्ड फॉर मेरिट फॉर PI, विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट बाई इंटरव्यू बोर्ड, द मेडिकल फिटनेस टेस्ट सिलेक्शन कैंडिडेट कंडक्ट बाई AGC मेडिकल सेंटर, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन की बात करें, ऑल क्वालिफिकेशन आपका फुल टाइम कोर्स होगा, शुड बी फ्रॉम UGC होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेयर आपका CGPA लेटर ग्रेटर डिग्री अवार्डेड है, उसके आपको शुड बी इंडिकेट एप्लीकेशन एज पर द नॉर्म अडॉप्ट यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होना चाहिए आपका जो जानकारी है आपकी डिग्री है यूनिवर्सिटी की, आप CGPA है तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से करा गया है, ठीक है। इनकी जानकारी रखें यहाँ पे, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पता कर लें। कट ऑफ डेट आप दे सकते हैं 1/2/2021 के अनुसार, यहाँ पे कैंडिडेट को आप सेलेक्ट गेट और MT अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर, तो आप ऑन कंप्लीट आपको ट्रेनिंग पीरियड आपको यहाँ पे देख सकते, परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस असेसमेंट मे बी आपको जो ऑब्जर्व E01 स्केल एजुकेटिव कैडर कैंडिडेट सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट 1 ईयर ट्रेनिंग विल बी आपको ऑफर्ड गया E01 एडिशनल इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी एज की जो 5 साल का आपको रिलेक्शन मिलेगा SC ST, 3 साल OBC का, ठीक है। 1/1/2021 को आपको जो कट रखी गई है एज का, हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आवेदन करना है, यहाँ पे आपको डिटेल दे रखा है, ठीक है। इसके मैं आपको जानकारी दे दूंगा किस तरीके से आवेदन करना है, इन सब की जानकारी। तो देखिए फ्रेंड, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हम लिंक पर हैं, तो यहाँ पे आपको जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी या केमिकल कंप्यूटर साइंस की, उसके लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। तो फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैकेनिकल का सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे ईशान अपना नाम है, मिडिल नेम लास्ट नेम दोनों नाम देना है, फादर नेम का आपको मिडिल नेम लास्ट नेम, मदर का इसी तरीके से मिडिल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मदर आपकी टंग क्या है उसके बारे में बताएं, मेल फीमेल है उसके बारे में बताएं, कैटेगरी बतानी है आपको किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, UR OBC, ठीक है, उस सबको यहाँ पे जानकारी देनी है, फिजिकली डिसेबल है यस या नो करें, एक्स सर्विसमैन एप्लीकेबल है यस या नो करें, डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे इसकी जानकारी देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अपने शादी का स्टेटस है, अनमेरिड है, डिवोर्स है या सेपरेट है इसकी जानकारी दें, ईमेल आईडी यहाँ पे बतानी, कन्फर्म ईमेल आईडी, एड्रेस विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप पिन कोड यहाँ पे आपको देगा, परमानेंट एड्रेस है उसकी यहाँ पे जानकारी, विलेज टाउन इसी दोनों सेम है तो उस पर कॉपी यहाँ पे क्लिक कर दें कॉपी हो जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देखने को कैप्चा आपको फिल करना है, ये सॉल्व करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल यहाँ पे आप पूरी डिटेल डाली, सेव एंड कंटिन्यू का आ गया है, ठीक है। तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए पूछा आई शो, मैंने इस पर ओके पे क्लिक कर दिया,
ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी यहाँ पे मुझे प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है तो मैं आपको देखकर यहाँ पर अभी फिल कर, यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया है, मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया है। अगर आपका नहीं आया तो एक बार रिजेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉग इन करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर आईडी और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको डालना है, और इस तरीके से यहाँ पे आपको ये कैप्चा आ रहा है, इसको फिल करके लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर लिया, यहाँ पे आप मेरे मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका था। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट वन कंप्लीट एंड क्लिक टू एडिट कर सकते हैं, पार्ट टू आपका पेंडिंग है, पार्ट थ्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही करके हम ये सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड यह मेरा पार्ट वन है जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नीचे मैं फ्रेंड अपडेट पे क्लिक कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन है जो कि स्टार्टिंग आपको करनी है हाई स्कूल से, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला देखो एग्जाम पास के मेरे टेंट का नेम या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, तो मैंने सीबीएसई डाल दिया। जिस सन में पास किया था उस सन को यहाँ पे जितने परसेंटेज थे वो ग्रेड थे आप यहाँ पे बता सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में ऑल जनरल मैंने लिख दिया है, जो ऑल जनरल थे यहाँ पे करना है। इसके बाद अगर आपका आता है तो ट्वेल्थ का आप भरेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सभी सब्जेक्ट हैं जो पाँच सब्जेक्ट उनके नाम दे दें कॉमा लगाते हुए, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो बेसिक हम स्टेप यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, ठीक है। यहाँ पे सन सब बताते हुए यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करते जाना और एक एक करके ऐड करते जाना, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए फोटोग्राफ सिग्नेचर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि प्रूफ एज है, यहाँ पे आपको टेंथ का आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसकी जानकारी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, यहाँ से आपको अपलोड करना है। 2 MB का PDF साइज रखना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको करके आपको सेव पार्ट 3 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड नीचे यहाँ पे आपको देखिए इंटर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ रही है जो कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बीटेक, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करना है सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ठीक है, किसी कोर्स का, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कोर्स का नाम, फील्ड नेम, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इंटर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड यदि है कोई आपके पास तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेस्टिनेशन क्या थी, पे स्केल क्या थी, कब से लेकर कब तक काम किया, यहाँ से आपको ऐड कर देना है। टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ईयर, इफ यदि कोई है तो यहाँ पर बता सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी। इस तरीके से यहाँ पे आपको सेव पार्ट टू है जो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये सेव पार्ट टू पहले करना है, इसके बाद सेव थ्री मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपको जो स्टेज थ्री है टेंथ और ट्वेल्थ का बीटेक का यहाँ पर आपको जो कि आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जो कि आपने एजुकेशन में जितना आपने बताया सर्टिफिकेट रहेगा तो वो आपको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। इस तरीके से पार्ट थ्री कर दिया मैंने। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जो टेंथ का ट्वेल्थ का और आपने जो प्रोफेशनल है जो जो आपने फर्स्ट सेकंड में भरे हैं उन सब की सारे सर्टिफिकेट अपलोड करें, ठीक है। जैसे सर्टिफिकेट अपलोड करने फाइनल प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिला है, ओके आर यू श्योर पे इस पर क्लिक कर दें, मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये AGCL क्या था, इस तरीके से अप्लाई करना है उसकी जानकारी मैंने दी। या आपके कुछ क्वारी है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप में तकलीफ हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या फॉर्म भरने में तकलीफ हो तो आप हमसे भरवा सकते हैं, आपके लिए मैं जरूर सेवा करूंगा। फ्रेंड अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है प्लीज तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और हमें सेवा का मौका दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।